DRS एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने स्टीव बकनर जैसे बेईमान अंपायरों की पूरी दुकान ही बंद कर दी। लेकिन ऐसे भी कुछ फैसले हुए हैं जिनमें DRS भी गलत हो गया। आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे ही फैसलों के बारे में बताने वाले हैं जब DRS ने भी बेईमानी कर दी। नंबर 1 पर तो एक ऐसा डिसीजन है जिसके बाद हुए बवाल के बाद DRS का रूल ही चेंज करना पड़ा था। नंबर 6, डीन एल्गर का LBW। इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। अश्विन की गेंद एल्गर के पैड पर लगती है। इंडियन प्लेयर्स अपील करते हैं और अंपायर आउट दे देता है। एल्गर को भी पता था ये क्लियर आउट है, इसलिए वो भी वापस जा ही रहे होते हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर के कहने से रिव्यू ले लेते हैं। रिप्ले में देखने पे पता लगता है कि गेंद घुटने के भी नीचे लगी थी, विकेट के बीच में पिच हुई थी। मतलब सबको लग रहा था डिसीजन क्लियर आउट आएगा, लेकिन होकाई में दिखाया जाता है कि गेंद विकेट्स के ऊपर से जा रही है, जिसे देखकर भारतीय खिलाड़ी चौंक जाते हैं और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ता है। इसके बाद ये विवाद और भी बढ़ जाता है जब भारतीय खिलाड़ी स्टंप्स में जाकर इसके बारे में बोलने लगते हैं। KL राहुल ने तो ये तक कह दिया था, द होल कंट्री इज अगेंस्ट 11 गाइस। नंबर 5, जॉ रूट का कॉट बिहाइंड। एसिड से ज्यादा कंट्रोवर्सी शायद ही कहीं और देखने को मिलेगी। 2013 सीरीज के मैच में शेन वॉटसन की गेंद पर जॉ रूट के खिलाफ कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील होती है और अंपायर रूट को आउट दे देते हैं, लेकिन रूट तुरंत रिव्यू ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे फैसले दो तरीके से चेक होते हैं, एक बार हॉटस्पॉट और दूसरी बार अल्ट्रा एच से। हॉटस्पॉट से जब चेक होता है तो पूरी स्क्रीन ब्लैक ही रहती है, मतलब साफ कि बैट गेंद से नहीं लगा। लेकिन जब अल्ट्रा एच चेक होता है तो जब गेंद बैट के पास से गुजर रही होती है तो बहुत ही हल्की सी आवाज आती है। ये आवाज इतनी हल्की होती है कि कहना बहुत मुश्किल होता है कि यह बैट की ही आवाज है, लेकिन थर्ड अंपायर रूट को आउट करार दे देते हैं। आप कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये आउट लगा या नॉट आउट। नंबर 4, अंपायर कॉल। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज की जोरदार अपील पर अंपायर बैट्समैन को नॉट आउट दे देते हैं और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान क्लार्क इसके खिलाफ DRS ले लेते हैं। रिप्ले में दिखता है कि घुटने से थोड़ा सा नीचे ही लगी है और स्टंप्स के अंदर है। हॉकाई में 3 रेड आते हैं, मतलब गेंद विकेट्स पर लग रही थी, लेकिन इसे अंपायर कॉल दे दिया जाता है। जबकि अंपायर कॉल तब दिया जाता है जब सिर्फ आधी गेंद विकेट्स पर लग रही हो, लेकिन यहाँ पर पूरी गेंद विकेट्स पर लगने के बावजूद इसे अंपायर कॉल कहते हुए नॉट आउट दे दिया जाता है। नंबर 3, टू मच बाउंस। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ मैच में सईद अजमल की गेंद पर बैट्समैन को आउट दे दिया जाता है और बल्लेबाज रिव्यू ले लेता है। रिप्ले में साफ दिखता है कि गेंद बैट्समैन के घुटने से भी नीचे लगी होती है, लेकिन होका यहाँ भी कुछ और ही कहानी कहता है। उसमें दिखता है गेंद विकेट्स के 1 फुट ऊपर से चली जाती। अजमल एक स्पिनर थे और जिस एक्शन से वो बॉलिंग करते थे ये संभव ही नहीं था। गेंद इतना उछाल ले लेता, लेकिन DRS का निर्णय मानना ही पड़ता और अंपायर का फैसला बदल दिया जाता है। इसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नंबर 2, एरो एंगल DRS। DRS कंट्रोवर्सी और श्रीलंका का कुछ ज्यादा ही प्यार है। एक मैच में न्यूजीलैंड के बॉलर की फुल टॉस गेंद पर श्रीलंका के बल्लेबाज के पैड पर लगती है, जोरदार अपील होती है, अंपायर उसे आउट दे देता है। इसके बाद DRS लिया जाता है। उसमें पता लगता है फुल टॉस गेंद बल्लेबाज के पीछे वाले पांव पर लगती है जो बिल्कुल विकेट के पास है। गेंद की लाइन भी विकेट के अंदर लगती है। उस हिसाब से ये गेंद मिडिल स्टंप पर लगनी चाहिए थी, लेकिन होकाई में दिखता है कि गेंद एरो एंगल से विकेट मिस कर देती। बॉलर क्रीज से काफी दूर जाकर बॉलिंग जरूर कर रहा था, लेकिन जहां पर बॉल लगी थी कोई चांस ही नहीं था कि गेंद विकेट को मिस कर दे। लेकिन DRS ने कुछ और ही कहानी कह दी। आप भी कमेंट्स में जरूर बताएं ये आउट था या नहीं। नंबर 1, 2.5 मीटर DRS रूल। 2011 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह की गेंद पर इयान बेल के खिलाफ धोनी रिव्यू लेते हैं और होकाय में 3 रेड आते हैं, मतलब क्लियर आउट। लेकिन इसके बाद भी बेल को नॉट आउट दे दिया जाता है, क्योंकि गेंद जहां पैड से हिट हुई वो डिस्टेंस विकेट से 2.5 मीटर ज्यादा था और उस टाइम ये रूल बनाया गया था कि डिस्टेंस 2.5 मीटर से ज्यादा होगा तो उसे आउट नहीं माना जाएगा। इस बेकार रूल की वजह से बेल को नॉट आउट दे दिया गया। इस निर्णय पर इतना ज्यादा विवाद हुआ कि ICC ने बाद में इस नियम को ही हटा दिया। दोस्तों, ये थे 6 ऐसे DRS के फैसले
जिन पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। अगर आपको भी खराब डीआरएस का कोई फैसला याद आ रहा है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।